Under this tree, conversation between Uddhava and Radharani, the two greatest devotees of the Lord in the creation. Something is wrong, Maharaj. Okay. Narada was searching after the greatest devotee. तो नारद ने पहले शंकर जी के पास गए. शंकर जी ने भेजा उनको प्रहलाद के पास. प्रहलाद से बड़ा डिवोटी हनुमान. हनुमान से बड़ा डिवोटी है पांडव. पांडव से बड़ा डिवोटी यदु है. यदु से बड़ा डिवोटी है उद्धव. तो नारद मुनि वॉज सर्चिंग फॉर द हाइएस्ट डिवोटी. फर्स्ट ही वेंट टू शिवा. शिवा सेड हायर देन मी प्रहलाद. प्रहलाद सेड हायर देन मी हनुमान. Hanuman said higher than me is Pandava. Pandava. Pandava said higher than me is Yadu. Yadu. And Yadu said higher than us is Uddhava. Uddhava. So Uddhava is the highest devotee outside of Vrindavan. Vrindavan Braj Mandal ke bahar Krishna ka sabse bada bhakt kaun hai? Uddhava. Uddhava. To Uddhava Dwarka mein Bhagwan ko 16108 mahalon mein seva karta tha. भगवान के 16108 महल में स्वरूप अलग अलग थे. अलग अलग 16000 रानियों के साथ. तो उद्धव जी हर महल में भगवान की. उद्धव जी भी 16000 रूप लेते थे. उद्धव वाज सर्विंग कृष्णा इन द्वारका इन 16108 पैलेसेस. एंड ईच पैलेस ही वाज आल्सो एक्सपांडिंग. बाय कृष्णा ही वाज आल्सो एक्सपांडिंग इन 16000 फॉर्म्स. तो कृष्ण का महाप्रसाद. कृष्ण के थाली का जो प्रसाद किसको मिलता था? उद्धव. कृष्ण के कपड़े वस्त्र पहने हुए किसको मिलते थे? उद्धव. कृष्ण के हार मालाएं किसको मिलती थी? उद्धव. द महागार्मेंट ऑफ कृष्ण दे आर गोइंग टू उद्धव. The Mahaprasad of Krishna, Uddhava was eating. And the clothes of Krishna, Uddhava was wearing. So Uddhava was very special. Uddhava looked just like Krishna. When Uddhava came to Vrindavan, there was a gopi who said Krishna. Because Uddhava's body was a little bit of a sham. And his eyes were also Kamal Nayan. And he also wore Krishna's pitambar, Mahaprasad. So when Uddhava came first time here, Uddhava, gopis thought that he is Krishna. Because Uddhava's eyes like lotus petals. And he was wearing Krishna's yellow pitambar, dhoti. He was wearing Krishna's maha dhoti. And maha garlands of Krishna are pending with him. So, एक्चुअली भगवान ने उद्धव को वृंदावन में क्यों भेजा आपको पता है? व्हाई डिड कृष्णा सेंड उद्धव टू वृंदावन? गोपियों ने संभाल लिया. गोपियों ने संभाल लेना बात है. गोपियों तो कहना थी उद्धव मत्ता वृंदावन मान गया पर सुन तो जा रहे तो सुन तो चलती. बट व्हाई डिड उद्धव कृष्ण
Krishna sent Uddhava to Vrindavan. Maybe just like Maharaj just make Krishna Gopis more peaceful. Or maybe he cannot enter. Mataji कह रही गोपियों को शांत करने के लिए. गोपुल इधर भी आए. ये ज्ञान बुद्ध भी है. यहाँ ही उद्धव ने ज्ञान सुना. नहीं नहीं यहाँ भी उद्धव और राधा के बारे में भ्रमर गीत हुआ यहाँ. भ्रमर गीत यहाँ तो कृष्ण सेंट उद्धव टू वृंदावन नॉट फॉर पैसिफाइंग द गोपीज नॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गोपीज बट बिकॉज उद्धव ही वांटेड टू शो उद्धव दैट देयर इज समथिंग हायर देन योर लव बताना चाहते थे कि तुम्हारा प्रेम से भी बड़ा कोई प्रेम है ब्रज प्रेम जो तुमने कभी नहीं देखा है जब तक हम हमारे से बड़ी कोई चीज को नहीं देखते हैं तब तक हम पे घमंड रहता है हाँ, कि आई एम द बिगेस्ट कि मैं सबसे बड़ा हूँ ज्ञान का घमंड नहीं ज्ञान का हमने आपको ज्ञान का घमंड वो क्यों ने ज्ञान को हो दिया प्रेम So Uddhava was thinking that he is the greatest devotee. But he did not know the love of Vrindavan. The love of the gopis, Uddhava did not understand. So Krishna, to purify Uddhava, to make Uddhava even understand that Uddhava was very fortunate. Because Dwarka se kisi ko Bhagavan ne Vrindavan mein nahi bheja hai. Krishna never sent anyone from Dwarka to Vrindavan. Only Uddhava. उद्धव जी और राधा रानी का जब मिलन हुआ उद्धव सेड ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा हम उद्धव सेड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ द ब्रह्म सो व्हाई डोंट यू मेडिटेट ऑन द ब्रह्म एंड फॉरगेट कृष्णा बिकॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा इज कॉजिंग यू सफरिंग उद्धव ने गोपियों को कहा अच्छा गोपी कि कृष्ण से तो ब्रह्म निकलता है पर ब्रह्म अखंड ब्रह्म तो ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो अभी तुमको इतना कष्ट हो रहा है कृष्ण के वियोग में तुम रो रही हो तड़प रही हो ऐसा दुख क्यों महसूस कर रही हो तुम ब्रह्म के ऊपर ध्यान करके समान बन जाओ समभाव में आ जा उद्धव टोल्ड द गोपीज राधा यू बिकम इक्विपॉइज्ड न शोचते न कांक्षते सम सर्वेश भूतेषु ये दुख करने की क्या जरूरत है समान भाव में ब्रह्म का चिंतन करो कृष्ण तो ब्रह्म के स्रोत है why are you lamenting why are you crying from the gopis you become equal think about the brahma so Uddhava was giving knowledge gyan and gopis rejected गोपी रिजेक्टेड गोपियों ने नकार दिया उद्धव ज्ञान बोले उद्धव तुम जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो ज्ञान के लक्ष्य कृष्ण उनमें मन लगाने के लिए कितने योगी लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारा मन तो भगवान कृष्ण में ऐसा लग गया है कि हम भूलना चाहते तो भी नहीं भूल सकते तो गोपी सेड टू कृष्ण एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू थिंक अबाउट कृष्ण And the gopis have another problem. The gopis cannot forget Krishna. They want to forget Krishna, but they cannot forget. The gopiyon ko ye samasya hai ki Bhagwan ko bhool nahi sakte. Baaki sara sansar Bhagwan ko yaad karna chahte. Hum Bhagwan ko bhool ke baaki sab yaad karte. Lekin gopiyan Bhagwan ko bhool nahi sakte. So the gopis said, "I we cannot forget Krishna." So Radha Rani and she was talking to Bee. Bee was going around. It is called as Brahmar Geet. In the Bhagavatam, it is Brahmar Geet. Mahore ko bolne lagi. Radha Rani ne socha Uddhav Bhagavan ke param bhakt mein Uddhav ko kya Uddhav dungi. Isse namra bhav se wo Mahore dhun raha tha. Radha ji ne wo Mahore ko sambhat karke ye bataya hai. कि उद्धव को की ब्रज का प्रेम कितना ऊंचा है ज्ञान योग ध्यान योग हट योग ये सब योग से ऊंचा है वृंदावन का प्रेम
जब वृंदावन प्रेम इज सो हाई, जब उद्धव जी ने जब समझ लिया तो उद्धव जी ने बोला आई डोंट वांट टू गो बैक टू द्वारका, आई वांट टू बिकम अ क्रीपर वृंदावन नियर गोवर्धन। उद्धव जी गुलम लता बन गए, उद्धव कुंड हमने रिटर्न में देखा था। उद्धव जी ने बोला ब्रज के प्रेम में मैं द्वारका में भगवान की सेवा छोड़ के वृंदावन में रहना चाहता हूँ, और यहाँ मैं गोपी बनने का तो लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पौधा बन जाऊंगा, गोपियां मेरे ऊपर से चलेंगी तो गोपियों के चरण की धूल मिलेंगी तो भी मेरा जीवन सफल होगा। उद्धव जी अभी भी संसार में जी रहे, भागवत में वर्णन है वो नैमी शरण में मेरे अभी तक गए नहीं है, इधर से ही पास पड़ता है नैमी शरण में, इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के चक्र का चक्र गिरा था उधर, कभी ब्रज में रह के थोड़ा नैमी शरण में जाते हैं, वापस ब्रज में आते अभी भी अप्रकट रूप में उद्धव जी यहाँ सूरम जी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म उद्धव जी स्टिल प्रेजेंट जी। जय जय, हम आगे जाएंगे वंशी।